ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया जलवा और इंडिया को मिली इतिहास का सबसे बड़ा हार। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड ओडीआई के बारे में। पहले बैटिंग करने उतरी इंडिया टीम ने मात्र 26 ओवर में 117 रन पर सिमट गई। कप्तान रोहित शर्मा ने 13 रन बनाए 15 गेंदों पे और इंडिया टीम से सबसे हाईएस्ट रन बनाया विराट कोहली ने 35 गेंदों पे 31 रन। आखिर में अक्षर पटेल का 29 गेंदों पे 29 रन के चलते इंडिया 117 रन बनाया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क 8 ओवर में 53 रन देके 5 विकेट लिया। 118 रन चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने मात्र 11 ओवर में 121 रन बनाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेवर सेट ने 30 बॉल पे 51 रन का पारी खेला और मिचेल स्टार्क ने 36 बॉल पे 66 रन बनाया। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया ने 16 चौका और 6 छक्का लगाया और इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ये मैच 10 विकेट से अपना नाम करने में कामयाब रहा। मैच का मैन ऑफ द मैच बने मिचेल स्टार्क और ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच का सीरीज में 1-1 का बराबरी कर लिया और इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का थर्ड ODI 22 मार्च चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगा। मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।